हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ वेजिटेबल पनीर रैप। तो चलिए उसके लिए क्या क्या लगता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेबल देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक गाजर लिया है, एक अनियन, ये बीन्स है, ये कैप्सिकम, ये गोल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, ये कसा हुआ पनीर, और ये मिक्स हर्ब्स है, और ये आलू है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इसे चला लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम ये गाजर डाल देंगे, बीन्स डाल देंगे, कैप्सिकम, इसे मिला लें। इसे हमें हल्का पकाना है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे गोल मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सबको हम मिला लेंगे तरीके से। मसालों को अच्छे से भून लें ताकि सब कच्चापन निकल जाए। ऐसे 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरीके से पकाएंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। एक बर्तन में हम निकाल लेंगे इसे। तो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम अगला प्रोसेस देखेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये उबले हुए आलू डालेंगे। और ये जो हमने पनीर रखा था इसे डालेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पहले इसमें मिक्स हर्ब डाल दें, एक मैशर की हेल्प से इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे रैप करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये हम एक आटे की लोई ले लेंगे इस तरीके से। इसके बाद आटे में डिप करेंगे। इसके बाद इसे बेलेंगे इस तरीके से, बेलने। अब हम इसमें वेजिटेबल रैप करेंगे। तो ये मैंने वेजिटेबल डाल दिया है इस तरीके से, पनीर और बाकी वेजेस का जो मिक्सचर है उसको डाल देंगे। और अब हम इसे इस तरीके से रैप करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से रैप करना है, इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके का बन जाएगा। अच्छे तरीके से दबा लें। अब हम इसे इस सूखे हुए आटे में डिप करेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे बेलना है इस तरीके से, धीरे धीरे हम बेलेंगे। तो ये हमारा बेल चुका है। अब हम इसे तवे पे डालेंगे।
तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे डाल देंगे इस तरीके से। किनारों को अच्छे से दबा दें। तो अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। अच्छे से सेक लें। एक चम्मच घी डाल दें। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम लगा देंगे अच्छी तरीके से। इसे हम पलट लेंगे और इस तरफ भी हम लगा देंगे घी को। तो मैंने इस तरफ भी घी लगा दिया है। अब हम इसे सेकेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। इसे पलट लेंगे। तो ये मेरा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर दिया है। तो ये हमारा मिक्स वेजिटेबल और पनीर पराठा रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।